उम्मीद करता हूं कि इस वाली टेबल में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, 100, 50, 25, 12.5 एंड 6.25। अब हम करते हैं 20, 10, 5 एंड 1%। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमें 10% निकालना आ जाए कैसे भी करके। अगर हमें 10% निकालना आता तो हम 20% भी निकाल सकते हैं, उसका डबल कर देंगे, 5% भी निकाल सकते हैं, जो 10% था उसका हाफ कर देंगे, 2.5% निकालना हुआ तो उसका भी आधा कर देंगे, और 1% निकालना अगर हमें आता तो हम उसका 2% भी निकाल सकते हैं, 3% भी निकाल सकते हैं और आधा परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें सिर्फ 10% सीखना है, तो सबसे पहले हम 10% सीख रहे हैं। मैं यहां पर बड़ा सिंपल सा नंबर ले रहा हूं, अगर मेरे को 1000 का 10% निकालना है, सिर्फ किसका 1000 का अगर मुझे 10% निकालना है, 1000 क्या किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना हो, आपको ज्यादा नहीं सोचना ना ज्यादा दिमाग लगाना, बस पीछे से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, हमारा 10% आ जाएगा। और हमारा 10% कितना हो गया, 100, तो 20% क्या होगा इसका डबल, 200, और 5% क्या हो जाएगा इसका हाफ, 50, और 25% 2.5% उसका भी हाफ हो जाएगा 25। और अगर हमें जैसे सपोज कीजिए नंबर कुछ और होता, इसकी जगह नंबर होता है 444, इसका 10% निकालना है, 444 क्या किसी भी नंबर का हमें 10% निकालना है, तो बस हमें पीछे से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, हमारा 10% आ जाएगा। तो यहां पर तो पीछे जीरो थी वो कैंसिल होगी, इसके पीछे फोर है तो ये कैंसिल नहीं रहेगा, तो हमारा जो 10% रहेगा वो कितना रहेगा, 44.4 ही रहेगा। और अगर 20% निकालना है तो इसका डबल हो जाएगा, 88.8, और अगर 5% निकालना है तो इसका आधा हो जाएगा, 22.2, और अगर 2.5% निकालना पड़ेगा तो उसका भी आधा हो जाएगा, तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा, 11.1। तो इस वाली टेबल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 10% कैसे निकालना है, 20 कैसे निकालना है, 5 कैसे निकालना है, 2.5 कैसे निकालना है। अब हम एक बार 1% और देखते हैं, फिर से वही नंबर ले रहा हूं मैं, 1000 1000 का मुझे 1% निकालना है। देखिए 10% निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, पीछे से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा रहे थे, और 1% निकालने के लिए हमें पीछे से दो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, ये हमारा 1% आ जाएगा। तो 1% हो गया हमारा 10, 2%, 20, 3%, 30, 4%, 40, आधा परसेंट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 5। और अगर नंबर सपोज कीजिए ये होता है 444, इसका भी 1% निकालना है, तो कुछ नहीं सोचना, बस पीछे से दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा 1% आ जाएगा। और 1% हमारा हुआ 4.44, तो 2% हो जाएगा 8.88, ये हमारा 2% हो गया। और आधा परसेंट निकालना होगा तो इसका आधा हो जाएगा, 4.44 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.22। तो ये बस इतनी छोटी सी टेबल थी, इसी टेबल के बेस पे हम परसेंटेज की पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस टेबल को अप्लाई कैसे करेंगे बाकी क्वेश्चनों में, देखिए आने को बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे कि 100%, 50%, 25, 12.5, 6.25, 3.125 या 20, 10, 5, ये सब नहीं है। आपके एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 65 भी पूछेगा, 34 भी पूछेगा, 18% भी पूछेगा, तो वो जितने भी निकालने हैं वो इसी टेबल के बेस पे हम करेंगे। आज मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें, देखिए साथियों कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो अभी हमने सीखे थे उसी से रिलेटेड है, और एक दो क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा दिए मैंने। जैसे आपको निकालना है 20% ऑफ 240 का 20% निकालना है, तो 20% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 10% निकालेंगे, और 10% निकालने के लिए हमें क्या करना है, पीछे से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 10% हो जाएगा, 10% हो गया हमारा 24, तो 24 10% है, सॉरी 10% अगर 24 है तो 20% क्या होगा उसका डबल हो जाएगा, तो 24 का डबल होता है 48, ये आपका आंसर हो गया। अगर मेरे को 5% निकालना है तब भी मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, 10% ही निकालना होगा, तो 10% निकाला 48, और 5% क्या होगा उसका हाफ, तो 48 का हाफ
24, और अगर मुझे 2.5% निकालना है किसी भी अमाउंट का, अगर 2.5% निकालना है तो भी मुझे सबसे पहले 10% निकालना है, उसका हाफ करूंगा 5% हो जाएगा, उसका भी हाफ करूंगा तो 2.5% हो, तो ये हमारा 10% हो गया 64 का हाफ 32 का हाफ 16, तो ये आपका आंसर हो गया 16। अब मुझे निकालना है 4800 का 75%, तो बताइए जो टेबल अभी हमने करी थी, ये सिंपल सी टेबल हमने करी है कि 100, 50, 25, 12.5, 6.25 एंड ये 20, 10, 5 एंड 1। इस पूरी टेबल में आपको कहीं भी 75 नजर आ रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा, बस आपको यहां पर ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि 75% कहां पर है। अगर देखा जाए तो ये 50 और 25 अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 75%, और मुझे यही करना 75% निकालना, 50% मुझे आता ही है निकालना, 25 भी आता ही है, बस दोनों को निकाल के क्या करना है, ऐड ही तो करना है। तो सबसे पहले देखिए 4800 का 50% क्या होगा, आधा 2400 रुपए। अब 2400 रुपए का भी आधा करेंगे तो 1200, बस दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 3600। समझ में आया। नेक्स्ट, जैसे फिर से 75% निकालना है तो 75% के लिए क्या करेंगे, 50% प्लस 25%, तो इसका 50% होगा 8800 रुपए का आधा 4400 रुपए, फिर 4400 का भी आधा करेंगे तो 2200 रुपए, बस दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 6600 रुपए। अब अगर मुझे 35% निकालना है तो 35% भी क्या करना है, मुझे इसी टेबल में से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि 35% आपको यहां मिल रहा है 20, 10 एंड 5, 35% होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये यहां पर निकालने के लिए हमें तीन तीन स्टेप यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले 10% निकालना है, फिर 20% उसका डबल करना है, फिर 10% का हाफ करेंगे, फिर तीनों को जोड़ना है। अगर उससे इजी अगर कहीं मिलता है तो आपको वो ढूंढ के निकालना है, जैसे कि 25 प्लस 10 अगर मैं करता हूं तो 35% हो जाएगा। इसी तरीके से किस किस परसेंटेज को कैसे कैसे हमें मर्ज करना है, कैसे कैसे तोड़ तोड़ के निकालना है, वो सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले हमें 25% निकालना है और फिर 10%, तो 10% तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, 10% के लिए क्या करना है, पीछे से एक डिजिट से पहले पॉइंट निकालना है, आपका 10% आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 640 का 25%, तो वो ये देखिए टिप्स पे करना है, हमें टेबल की जरूरत नहीं है। 100, 50, 25, 640 का हाफ 320 का हाफ 160। अब 160 प्लस 10%, तो इसका जो 10% होगा वो कितना होगा 64, बस 160 में आपको 64 और ऐड करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा 224। इतनी सी देर में आपका आंसर्स आ जाएंगे। फिर हमें निकालना है 840 का 35%, तो 35% निकालने के लिए वही करना है, हमें क्या करना है, इसमें 25% प्लस 10% को अगर ऐड कर दे तो ये हमारा 35% बन जाता है, और 25% के लिए वही है आधा और फिर उसका भी आधा, तो 840 का आधा 420, 420 का आधा 210, और 10% निकालना है तो पीछे से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा 10% आ जाएगा 84, तो ये आपका टोटल आंसर हो गया 294। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक सी टेबल मैंने बताई है, इसी टेबल के बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए ट्राई, और इसी टेबल को और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ताकि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए जरा ध्यान से। एक टाइम की बात है, एक दामाद जो है अपने ससुर को फ़ोन करके कहता है कि मैं जिस दिन आपके यहाँ आऊँगा तो मुझे उतनी ही तारीख को, जिस दिन मैं आऊंगा, जिस तारीख को मैं आऊंगा उसी तारीख उतने ही ग्राम की मुझे सोने की गिन्नी दोगे आप। तो ससुर जी ने कहा ठीक है, तो दामाद जी जो है किसी भी तारीख को आ सकते थे, तो ससुर जी इस परेशानी में सुनार के पास गए और सुनार के पास जाके बोले कि भाई मेरे को 1 ग्राम से लेकर 31 ग्राम तक की गिन्निया बना के दे दो, कि मेरा जो दामाद है वो जिस तारीख को आएगा मुझे उस तारीख को उतने ही ग्राम की गिन्नी उसको देनी है। तो जो सुनार था वो भी एक मैथमेटिशियन निकला, उसने बोला, उसने उस ससुर जी को सिर्फ 5 गिन्निया बना के दी। कितनी गिन्नी बना के दे दी, टोटल 5 गिन्नी बना के दे दी।
ताकि उसके और कहा कि आपके दामाद जिस भी तारीख को आएंगे इन पांच गिन्नियों से आपका काम चल जाएगा। तो अब ये आपको बताना है कि वो पांच गिन्नी कितने कितने ग्राम की थी। और इसी के साथ धन्यवाद।